आपने कभी सोचा होगा कि किसी गांव में अगर पक्की सड़क ना हो तो ग्रामीणों को कितनी मुसीबत झेलनी पड़ेगी। रायसेन जिले के भोजपुर विधानसभा के धुंधार पूछी गांव की हालत अभी कुछ ऐसी ही है। आजादी के 77 साल बाद भी गांव में पक्की सड़क नहीं बन पाई। बरसात के दिनों में 2 से 3 किलोमीटर तक कच्चे सड़क की हालत और खराब हो जाती है। स्कूल जाने के लिए बच्चे और शहर जाने के लिए ग्रामीणों को काफी परेशानी होती है। और तो और कभी महिला का डिलीवरी करना हो तो यहाँ एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच पाता। गांव में सड़क नहीं होना ग्रामीणों के लिए अभिशाप बन गया है। नेता हर 5 साल में एक बार आते हैं और रोड बनने का सपना दिखाकर चले जाते हैं, फिर दोबारा चुनाव के समय ही उनसे मुलाकात होती है। आपको बता दें कि यह गांव पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुंदरलाल पटवा के विधानसभा क्षेत्र भोजपुर में आता है, जहां से अभी उनके बेटे सुरेंद्र पटवा सांसद हैं। ग्रामीण कई सालों से सड़क बनने की मांग कर रहे हैं। भोपाल? हाँ। भोपाल? हाँ। वहां से आ रहे हैं, अब रास्ता है ऐसी हो रही है, आप खुद देख रहे हैं। हाँ, देख रहे हैं वो तो। है, 1.5-2 किलोमीटर से पैदल आ रहे हैं, गाड़ी वहीं खड़ी करके आए तो कई तो मर गए बेचारे, ले जाने में ले जाने खंडे पे लेके जाते हैं हम। तो ये कितने वर्ष हो गए रोड नहीं बनाई? ये कई वर्ष हमारे बाप दादा भी मर गए और हम भी मर जाएंगे ऐसे ही कहते कहते, और वोट लेने आ जाते हैं, जब ही आते हैं उसके बाद में कोई पलट के।